and we are so near to the haunted church. I think this is the death road and हम लोगों को left लेना है for the haunted church and this is the church, first look of church and always feel, मतलब क्या ही बताए, कुछ तो feel होता है यहाँ पे आने के time हर बार. We are now in Hadau Hills Haunted Church. निकले आज 5:20 पे मालदा से एंड सिलीगुड़ी पहुंचे करीब 12:30 बजे, क्योंकि रास्ते में इतना गंदा वाला फॉग मिला ना, इतना गंदा वाला फॉग मिला कि बता नहीं सकते कितना गंदा वाला फॉग मिला. एंड करसियंग पहुंचे, करसियंग पहुंचने के बाद हम लोग पहले विजिट किया आई लव करसियंग, करसियंग वाला व्यू पॉइंट, उसके बाद दाऊ हिल्स आने के चक्कर में रास्ता बंद था इसलिए फिर दूसरे रास्ते से दाऊ हिल्स आने लगे, तब उधर में हनुमान जी का मंदिर मिला, अल्टीमेट रोड मिला एंड आप लोग वो सब फुटेज देख भी चुके हो एंड नाउ दाऊ हिल्स हॉन्टेड चर्च एंड हियर इज राकेश. कुछ बोलना है भाई, कैसा एक्सपीरियंस है थोड़ा बता. फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करसियंग, बहुत अच्छा जा रहा है अभी भी, आप लोग भी आइए घूमिए. एंड अभी भी हमारा जर्नी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी हमारा, अभी हम लोग इधर से जाएंगे, जो आप लोग मेरे चैनल पे करसियंग का सीक्रेट व्यू पॉइंट वाला वीडियो अगर देखे हो, नहीं तो मेरे चैनल पे जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं करसियंग का, मतलब दार्जिलिंग ट्रिप का पूरा सीरीज़, तो वहाँ पे है. उधर जाएंगे, उधर से रॉक गार्डन जाएंगे एंड देन कहाँ जाएंगे, जाएंगे पेलिंग सिक्किम, वेस्ट सिक्किम मिलते हैं. सो आए थे इधर से एंड जाएंगे इधर से एंड दिस इज़ द रोड जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है, अननोन प्लेस ऑफ करसियंग, तो देख ही पा रहे हैं कि कितना ऊंचा ऊंचा पेड़ है और रास्ता भाई साहब मतलब अल्टीमेट. तो ठीक है, ये रास्ते का भी वीडियो है तो दिखाएंगे नहीं, आप लोग जाइए, एक ही बात बार बार बोल रहा हूँ, चैनल पे जाइए चेकआउट कीजिए एंड मज़े लीजिए. राइट साइड से जाता है करसियंग हेलीपैड और एयरपोर्ट स्टेशन एंड हम लोग जाएंगे लेफ्ट एंड सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, थोड़ा पढ़ लीजिए क्या लिखा है वहाँ पे. Once again, we are on the way to Rock Garden. फोर्थ डेस्टिनेशन एंड अभी तक बाइक शायद 300+ चल चुका है एंड डेस्टिनेशन बोले तो प्लानिंग जैसे जैसे हो रहा था, मतलब जैसे जैसे करके आए थे वैसे ही चल रहा है एंड घूमते घूमते पहुंच गए कहाँ, रॉक गार्डन एंड रॉक गार्डन एंड हियर इज राकेश. थोड़ा एक्सपीरियंस सुनते हैं उनसे, क्योंकि ये आते आते ये बहुत डर गया है रास्ता देख के, तो थोड़ा एक्सपीरियंस सुनते हैं.
एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा अभी तक, मेरा फर्स्ट टाइम है तो इतना स्टीप रास्ता मैंने आज तक नहीं देखा, तो बहुत अच्छा है। आप लोग भी आइए घूमिए। तो सुन लिए एंड ठीक है, मालूम है कि आप लोग एक बार देख चुके हो जगह, फिर से दिखा रहे हैं। जगह ही कुछ ऐसा है भाई साहब, जब तक आप लोग खुद नहीं आएंगे तब तक आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि ये सब पहाड़ का मतलब हिल स्टेशंस का क्या खूबसूरती है और क्यों बार बार आते हैं हम लोग। ठीक है, मिलते हैं। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर हम लोग पेलिंग गए तो पेलिंग में जाके एंड करेंगे, और अगर नहीं गए तो इस वीडियो को एंड करते हैं। एंड वी आर लेफ्ट फ्रॉम रॉक गार्डन एंड आवर फिफ्थ एंड फाइनल डेस्टिनेशन इज पेलिंग वेस्ट सिक्किम। After leaving Darjeeling City, we face those type of roads in full dark mode. तो रात का टाइम है, दिखेगा नहीं कुछ आप लोगों को। मिलते हैं डायरेक्ट पेलिंग में। सो अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, दिस इज वेस्ट बंगाल एंड ये जो सामने ब्रिज दिख रहा है, ब्रिज क्रॉस करते ही हम लोग एंटर करेंगे सिक्किम एंड दिस इज राममान चेक पोस्ट। तो ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से होटल पहुँचने के बाद। So, here is our room, and here is Rakesh, and here is bed, and इधर से window है, बहुत ही बड़ा। थोड़ा खोलते हैं। बाहर अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन बाहर से view बढ़िया है, वो सुबह में दिखाएंगे आप लोगों को। भाई साहब पहुंच गए और पेलिंग में, एंड थोड़ा टाइम देख लेते कितना बज रहा है। 9:14 मतलब 9:15 हो रहा है, एंड सेफ एंड साउंड पहुंच गए। और टोटल मालदा से निकले हुए हम लोगों को हो गया अभी तक 400 किलोमीटर। और ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर इस वीडियो को अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड अगर आप चाहते हैं कि किसी और को दिखाए तो शेयर भी ज़रूर से कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, कर रहे हैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं कल सुबह फिर नेक्स्ट ब्लॉग पे, एंड तब तक के लिए वर्क हार्ड एंड लव।